मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में छठवें राज्य वित्त आयोग के गठन को सहमति मिली। वहीं मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक पैराफीटर और पैरापंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है, जिससे अब जल रक्षक को 3300 रुपये प्रति माह जबकि पैराफीटर और पैरापंप ऑपरेटर्स को 4300 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलेगा। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक पैराफीटर और पैरापंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है। अब जल रक्षकों को 3300 रुपये प्रति माह जबकि पैराफीटर और पैरापंप ऑपरेटरों को 4300 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलेगा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई टेंडर के आधार पर कक्षा 1, 3, 6 और 9वीं कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए अपनी मंजूरी दी। इस वर्ग के 256,514 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल द्वारा राज्य आपदा शमन कोष गठित करने और आपदा शमन व्यय को पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और 2011 के नियमों के तहत वित्त प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई, क्योंकि आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और गतिविधियां एक अलग राज्य आपदा प्रबंध कोष के तहत आती है। इस कोष के अंतर्गत राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष का 20% हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 90.80 करोड़ रुपए होगा। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए की राशि भूकंप और भूस्खलन जोखिमों के लिए राज्य आपदा शमन कोष से अनुमोदित की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी जिला के थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने और इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित करने तथा भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के 16 विधानसभा क्षेत्र में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने और इस संस्थान के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित तथा इन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के नागरिक अस्पताल टिहरा में सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न श्रेणियों के और 3 पदों को सृजित और भरने की भी मंजूरी प्रदान की। वहीं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए तमाम फैसलों की जानकारी दी। सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत एंड लोकल बॉडीज जो है उसको जो है वो कंस्टिट्यूट करने को मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने, ताकि वो जो आने वाला समय है गवर्नर को रिकमेंडेशन कर सके के पंचायतों की और अर्बन लोकल बॉडीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, टैक्स ड्यूटीज इत्यादि जो है वो उसमें क्या होने चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कितनी ग्रांट दी जानी चाहिए, क्योंकि 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 21 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है, तो इसलिए 6th फाइनेंस कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट करने की स्वीकृति दी। फिर कैबिनेट ने आज डिसाइड जो है वो निर्णय लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जल रक्षक पैराफिटर्स और पैरापंप ऑपरेटर्स जो जल शक्ति विभाग में काम करते हैं उनके 300 रुपये पर मंथ जो है वो जो मानदेय मिलता है उसमें बढ़ोतरी की है। अब जल रक्षक को 3300 रुपये मिलेंगे और पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर्स को जो है वो 4300 रुपये पर मास जो है वो प्रति मास उनको मिलेंगे। इसके अलावा जो रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी 2 या 3 बिस्वा जो है वो ज़मीन जो गरीबों को जो है वो नौतोड़ में दी जाती है मकान बनाने के लिए, उसकी अभी तक आय सीमा जो है वो 50,000 थी, उसको बढ़ा करके 1,00,000 कर दिया है। फिर शिक्षा विभाग की जो है वो हमारी प्रदेश में अटल स्कूल वर्दी योजना चलती है, जिसमें हम स्कूल बैग्स जो हैं वो छात्रों को निःशुल्क देते हैं, जो पहली क्लास, तीसरी क्लास, छठी क्लास और 9th क्लास के बच्चों को जो है वो ई टेंडर के हिसाब से सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है वो
टेंडरिंग करेगी और उसके बाद जो है वो बैग्स जो हैं वो खरीद करके बच्चों को दिए जाएंगे, उसको भी स्वीकृति दी गई है। फिर एक कैबिनेट ने निर्णय लिया है, एक स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनाया है, इसके लिए जो है वो अप्रूवल दी गई है, जिसमें सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो फंड्स हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस जो हैं वो बनाई गई हैं। 90.80 करोड़ करंट फाइनेंशियल ईयर में इसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जो है ये मिटिगेशन के लिए यूज़ होगा। इसके अलावा जो है वो 50 करोड़ रुपया जो है वो सिस्मिक और लैंडस्लाइड जो रिस्क होते हैं पहाड़ी राज्यों में उसके लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड से प्रदेश को मिलेगा। ये फंड नया क्रिएट किया है। फिर एक जो है वो सिल्क वॉर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर जो पहले से एस्टेब्लिश है थुनाग में, तो उसमें जो है वो 4 पद जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के जो है सृजित करने को भी स्वीकृति दी गई है। साथ में जो है वो नया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सुला विधानसभा क्षेत्र में जो है वो खोलने को स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी थी और उसमें विभिन्न किस्म की 29 पद जो हैं वो भरने को भी वो मतलब सृजित करने का को जो है स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है। इसी प्रकार से मंडी जिला के तीरा में जो सिविल हॉस्पिटल स्तरोन्नत किया गया है उसमें विभिन्न प्रकार की पदों को जो है वो सिविल हॉस्पिटल में जितने पद जरूरत होती है उनको भरने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो है वो प्रेजेंटेशन दी जिसमें सारा कोविड के दिनों में कितने केसेस हुए, कितने लोग बाहर की स्टेट से प्रदेश में लाए गए, कितने हिमाचल से बाहर की स्टेट्स में गए और इसमें जो कितना पैसा कोविड फंड में है, कितना डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में है और उसमें कितना व्यय हुआ है, जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है जिसमें हर एक व्यक्ति के जो है वो नाम सहित जो है वो उसमें डिपेक्ट जो है वो किया होता है, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।